आईएस वीडियो आपको पेश कर रहा है दैनिक करंट अफेयर्स का विश्लेषण। दिल्ली की खराब हवा, अरावली के अविक्रमण और अच्छे कानून की आवश्यकता के बीच संबंधों को रेखांकित करने का अवसर है। विभिन्न सरकारी रिपोर्टों ने अरवलिस के लिए खतरे को कैसे दस्तावेज किया। अरावली के अविक्रमण के प्राथमिक कारण क्या हैं? अरवलिस के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? अरवलिस में अवैध खनन के प्रभाव क्या हैं? जीएस पेपर 3 संरक्षण। इस वीडियो में आप सभी उपरोक्त प्रश्नों के लिए विस्तृत उत्तर पा सकते हैं। उपरोक्त लेख से प्राप्त किया गया है जो हम प्रदान कर रहे हैं वह पूर्ण वीडियो में से केवल 10% नमूना है। हमारी वेबसाइट www.hindi.isvideos.com पर जाएं और सभी वीडियो देखने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल हों। ये किस संदर्भ में है? खनन बड़ा है और आज राजस्थान में आसान पैसा कमा सकता है। राज्य में इसकी पहाड़ियों और जमीन के नीचे छिपे हुए मूल्यवान खनिजों की एक लंबी सूची है। जस्ता, चांदी, यूरेनियम, तांबा, चूना पत्थर, दुनिया में सबसे रंगीन संगमरमर का कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने सदमे को व्यक्त किया कि राजस्थान के अरावली इलाके में 31 पहाड़ियों ने गायब हो गए हैं। हाल ही में अदालत ने राज्य सरकार को 48 घंटे के भीतर 115.34 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध खनन रोकने का निर्देश दिया। विभिन्न सरकारी रिपोर्टों ने अरवलिस के लिए खतरे को कैसे दस्तावेज किया। सीएजी की रिपोर्ट 2017 ने बताया कि राज्य के 5 जिलों में 5 वर्षों में 98.87 लाख मीट्रिक टन खनिजों का अवैध रूप से उत्खनन किया गया था। इसमें राज्य में हरित मानदंडों के उल्लंघनों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें अरावली के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के झुकाव शामिल थी। भारत के देहरादून स्थित वन्यजीव संस्थान द्वारा पहाड़ी वन श्रृंखला को भारत में सबसे अधिक अपमानित घोषित किया गया है। जनवरी और अप्रैल 2017 के बीच किए गए अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश स्वदेशी पौधों की प्रजातियां गायब हो गई हैं और वन्य जीवन और जंगलों के लिए सबसे गंभीर खतरा विकास गतिविधियों से है, जो धीरे धीरे अरावली के अवशेषों को नष्ट कर रहे हैं। अरवलिस के अपघटन के प्राथमिक कारण क्या हैं? स्वामित्व का मुद्दा। 1960 के दशक तक अरावली भूमि को आम गांव भूमि माना जाता था और चराई और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन 70 के दशक और 80 के दशक में निजीकरण की प्रक्रिया आई, जिसमें जमीन मालिकों के बीच जमीन बांटी गई और कम कीमत पर बेचा गया। जंगल की परिभाषा। इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि जंगल की कानूनी परिभाषा के तहत अरावली रेंज कितनी शामिल है, जिसे पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम PLPA की धारा 4 और 5 के अनुसार अधिसूचित किया जाना है या अनुसार जंगल की शब्दकोश परिभाषा NCZ प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र NCZ के रूप में अरवालिस के लगभग 60,000 एकड़ के वर्गीकरण के संबंध में भी विवाद है। अभी तक एक क्षेत्र को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाना है। अरवलिस के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? दिल्ली NCR क्षेत्रीय योजना 2021 में परिभाषित राष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्र NCZ में संपूर्ण अरावली रेंज शामिल है। इसमें इसके जंगलों, जल निकायों और भूजल रिचार्ज क्षेत्रों शामिल हैं। इस क्षेत्र में क्षेत्र के केवल 0.5% पर निर्माण की अनुमति है और वे भी केवल क्षेत्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के लिए हैं। वाणिज्यिक, आवासीय,
पर्यटन और अचल संपत्ति के प्रयोजनों के लिए निर्माण शक्ति से प्रतिबंधित है। अरवलिस में अवैध खनन के प्रभाव क्या हैं? वनस्पति कवर के नुकसान से थार रेगिस्तान के प्राकृतिक बहने लगेंगे उत्तर पश्चिम की तरफ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के बढ़ते मरुस्थलीकरण और इसके आसपास के क्षेत्रों में अधिक पर्यावरणीय खतरे हो सकते हैं। इनमें हवा में अधिक धूल, जलवायु की अधिक अप्रत्याशितता, भूजल के कम रिचार्जिंग और कई प्राकृतिक जल निकायों को सूखना शामिल है। गुरुग्राम के शहरी केंद्र के भूजल संसाधन गंभीर तनाव में हैं।